हमारे लिए ये बड़ा एहसास है, ये बड़ा शर्फ है, ये खुदा का हम पर कर्म हुआ है कि उसने हमें अपने बेटे यीशु बादशाह के मिशन के लिए चुना और बुलाया है। और ना सिर्फ मैं और आप, हम लोग यीशु मसीह के लिए काम करते हैं, बल्कि मेरे साथ एक हवाला निकालें, पहला कुरिंथियों उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत। पहला कुरिंथियों उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत, यहां मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है कलीसिया के बारे में और खुदा के खादमों के बारे में, लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। दुनिया के लोग तो किसी सदर के लिए, वजीर आजम के लिए, बादशाह के लिए काम करते हैं, हम सिर्फ खुदा के लिए काम नहीं करते बल्कि हम उसके साथ काम करते हैं। कितना बड़ा एजाज है कि हम उसके साथ काम करते हैं। वी आर हिज कोलीग्स। उसने हमें अपने साथ इस मिशन में शामिल किया है। हम उसके पाक रूह के वसीले से उसके साथ रफाकत की हालत में है। उसका रूह हमारे दिलों में बसा हुआ है। यीशु मसीह के वसीले से हमारा उसके साथ मेल हो चुका है। हम सिर्फ खुदा के मिशन के लिए चुने और बुलाए नहीं गए, हम सिर्फ उस मिशन में उसके लिए काम नहीं कर रहे बल्कि उसके साथ काम कर रहे हैं। हमारी बुलाहट सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, फर्ज पूरा कर लो, बल्कि यह खुदा की तरफ से एक नेमत है, यह एक गिफ्ट है जो उसने हमें बख्शा है। किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा एजाज यह है कि खुदा उसे अपनी बादशाही की खुशखबरी के प्रचार के लिए बुला ले। और मेरे भाइयों बहनों, इस काम के लिए सिर्फ उसने पादरियों को या एल्डर साहिबान को नहीं बुलाया बल्कि पूरी कलीसिया को, जो उसका बदन है, जो उसकी खेती है, जो उसकी इमारत है, आप सबको, हम सबको उसने बुलाया है कि यीशु मसीह का निजात और बहाली का मिशन हम जारी रखें।